हेलो, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्क्वाट एकेडमी पे। मैं आप लोगों को यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारा चल रहा था। नंबर ऑफ टर्म में मैंने बताया था कि जब x प्लस ए टू द पावर n प्लस माइनस एक्स की पावर x माइनस ए टू द पावर n में मैंने नंबर ऑफ टर्म बताया था, और ये भी बताया था कि दिस इज डिपेंड ऑन n। देखिए कि जब भी अगर हमारे पास में कुछ इस तरीके से वैल्यू हो रही थी x प्लस ए की पावर n प्लस माइनस x माइनस ए की पावर n, मैंने आपसे पूछा था कि नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे पदों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने बताया था कि यह इट इज डिपेंड ऑन n, बताया था कि n पे डिपेंड करता है। अगर n हमारा ऑड है, n हमारा क्या है, ऑड है, तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म क्या बोलोगे, देन नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, n by 2 plus 1, ठीक है, n by 2 plus 1 at terms हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे नेक्स्ट, अगर हमारा यहीं पे अगर मैं बता दूँ कि अगर इफ़ n is even, ठीक है, यदि n हमारा कैसा है, even है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर n हमारा इवन है, जब इवन है तो यहाँ पे देख लीजिए, जब n हमारा इवन है तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पे बात हो जाए कि x प्लस ए की पावर n माइनस x माइनस ए की पावर n, तब हम नंबर ऑफ टर्म बताएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म जब हमसे बताने को रहेगा तो ये वैल्यू हो जाएगी n बाई टू, ठीक है। और वही अगर वैल्यू x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n है तो ये वैल्यू हो जाएगी n बाई टू प्लस वन एट टर्म, ठीक है, इस तरीके से टर्म बताओगे आप, ओके। ये बात समझ में आ गई, ओके। जब ये बात समझ में अगर आ गई है आपको, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ एंड नेक्स्ट आप उसका आंसर बताना, ओके। आपके पास में वैल्यू है यहाँ पे x, ठीक है, अगर आपके पास में वैल्यू है x प्लस 5 की पावर 100 प्लस x माइनस 5 की पावर 100, और मैंने आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म क्या रहेगा, तो यहाँ से बताइए। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये वैल्यू हो जाएगी n फॉर 100 बटे 2 प्लस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। और अगर मैंने यहीं पे माइनस कर दिया तो सीधे डायरेक्ट अपना आंसर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ओके। तो आज हम यहाँ पे मैंने आप लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बताया है। आज आप लोगों को मैं नई वैरायटी पे लेके चलूँगा, जो कि आज आपकी जो नई वैरायटी है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मिडिल टर्म के बारे में, ओके। कि x प्लस ए के प्रसार में, x प्लस ए की पावर n के प्रसार में हमें अगर मिडिल टर्म फाइंड करना हो तो हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, ओके। तो बढ़ते हैं आज के अपने नई वैरायटी पे, और हम आज फाइंड करेंगे मिडिल टर्म, ठीक है। तो बात करेंगे मिडिल टर्म के लिए, तो सबसे पहले x प्लस ए की पावर n के प्रसार में मिडिल टर्म फाइंड करना, MIDDLE मिडिल टर्म फाइंड करना, ठीक है, ये मिडिल टर्म फाइंड करना। तो इसमें भी बोलेंगे इट इज डिपेंड ऑन n, यह n पर निर्भर करता है कि n हमारा क्या है, ओके। अगर हमारे पास में n इज इवन, मतलब n अगर हमारा सम है, देन नंबर ऑफ टर्म,
देन हमारा जो नंबर ऑफ टर्म जो हमारा होगा जाके क्या हो जाएगा, तो यहाँ से एन सी एन यक्स की पावर एन ए की पावर एन, ठीक है, ये हमारा मिडल टर्म होगा जाके, ओके, ये हमारा क्या होगा जाके, एक मिडल टर्म होगा जाके, ठीक है, एन सी ओ इवन टर्म के लिए बात कर रहे हैं, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, इवन टर्म के लिए अगर आप बात कर रहे हो तो ये गलत हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा एन सी एन बाई टू यक्स की पावर एन बाई टू ए की पावर एन बाई टू, ओके, तो यहाँ से बोल लोगे देयर इज वन मिडल टर्म, क्या हो जाएगा एन बाई टू प्लस वन टर्म, ठीक है, अगर एन जब हमारा है तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा एन सी एन बाई टू एक्स की पावर एन बाई टू ए की पावर एन बाई टू, तो वो होगा क्या जाके, वो होगा जाके एन बाई टू प्लस वन, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि जैसे एक्स प्लस ए की पावर टेन के प्रसार में अब हमें अगर मिडिल टर्म फाइंड करना हो तो एन बाई टू प्लस वन मतलब छठवां पद जो हमारा होगा वो मिडिल टर्म होगा, ओके। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, नेक्स्ट थोड़ा एक बार और इसका वो लिख लीजिए, तो यहाँ पे हमारा जब n हमारा इवन था तो हमारा जो मिडिल टर्म था n बाई टू प्लस वन एट टर्म्स था, उसको फाइंड कैसे करेंगे तो n सी n बाई टू n की पावर x की पावर n बाई टू a की पावर n बाई टू था, ओके। अगर हमारा n ऑड है, यहाँ पे इसको मैं रफ करने की कोशिश करूँगा, इफ n इज ऑड, ठीक है, यदि n ऑड है देन देयर आर टू मिडल टर्म, टू मिडल टर्म दो मध्य पद होंगे, क्या क्या होंगे, तो ये एक हो जाएगा n प्लस वन अपान टू आर n प्लस थ्री अपान टू, एक तो होगा n बाई एन प्लस वन अपान टू और दूसरा हो जाएगा n प्लस थ्री अपान कितना है टू, जैसे x प्लस जैसे अब हमारे पास x प्लस ए की पावर n लिखा हुआ है और इसमें हमें मिडिल टर्म फाइंड करना है, फाइंड द मिडल सॉरी फाइंड द यहाँ से मिडल टर्म, ठीक है, मध्य पद फाइंड करना है x प्लस ए की पावर n के अनुसार, तो इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी एन सी एन प्लस वन अपान टू एक्स की पावर एन माइनस वन अपान टू ए की पावर एन प्लस वन अपान टू, ओके, ये हमारा एक मिडिल टर्म के बारे में होगा जाके, जब पहले वाले के लिए देखेंगे और दूसरे वाले के बारे में देखेंगे तो यहाँ से r लिख लो, तो ये वैल्यू हो जाएगी एन सी एन प्लस थ्री अपान टू एक्स की पावर n माइनस थ्री अपान टू ए की पावर n प्लस थ्री अपान कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने आप लोगों को मिडिल टर्म फाइंड करने के बारे में बताया हुआ है कि जब हमारा इवन रहेगा तब हमारा मिडिल टर्म कितना होगा, जब n हमारा ऑड रहेगा तब हमारा मिडिल टर्म कैसे फाइंड करेंगे। अब इसके बारे में नमूना देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चन को लगाना है, ओके, नमूना देखिए, जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है, वैल्यू है x प्लस ए की पावर 24 x प्लस ए टू द पावर 24 इन द एक्सपेंशन ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इसके प्रसार में मध्यपन फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी n हमारा जो पावर है इवन रहेगा
इवन है तो 24 है बटे 2 प्लस 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 टर्म। तो यहाँ से हमें मिडिल टर्म फाइंड करना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी 24 सी कितनी 12 एक्स की पावर 24 से 12 घटेगा 12 और ए की पावर कितना हो जाएगा 12। मतलब ये कैसे फाइंड हुआ है, तो इसको बोलोगे 20c 12 एक्स की पावर n माइनस आर होता है, तो n हमारा 24 है और ये वाली वैल्यू कितनी है 12 और a की पावर कितना हुआ 12। तो आप चाहे ऐसे करके ऐसे लिखो या तो इसको ऐसे बना के लिख सकते हो। अब इतने तो बेवकूफ़ हो नहीं कि इसको भी बताना पड़े कि 24 से 12 घटेगा तब 12 आएगा, डायरेक्ट आप अपने मन से कर सकते हो। ओके, बता दिया है मैंने आपको करना है। अगर n हमारा जो पावर हमारी अभी मैंने इवन ली है, अगर मैं इसको ऑड लूँ तब आप इसको कैसे बताओगे, तब इसको देखना है। देखिए गाइस, एंड इसका सॉल्यूशन भी हमें आप लोगों को बताना है। तो यहाँ से देखिए, ठीक है, नेक्स्ट दूसरा नमूना देखिए। दूसरे नमूने को हम देखेंगे, तो दूसरा नमूना है, वैल्यू है हमारे पास एक्स प्लस ए की पावर 105 और हमसे कह रहा है मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ठीक है के प्रसार में मध्य पद फाइंड करना है। अब इसके प्रसार में हमें जब मिडिल टर्म फाइंड करना है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस ए की पावर एन है। ओके, जब एक्स प्लस ए की पावर एन का एक्सपेंशन है और हमें मिडिल टर्म फाइंड करना है, तो मैंने आपको बताया था देयर इज टू मिडिल टर्म। क्या होता है, एक तो होता है एन प्लस वन अपान टू और दूसरा होता है एन प्लस थ्री अपान टू। एन प्लस वन अपान टू बोले तो 10 कितना हो जाएगा 6 अपान टू, तो मतलब ये हो जाएगा 53 टर्म। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा है कितना 105 प्लस 3 अपान टू, तो ये कितना हो जाएगा 54th टर्म। ठीक है, ये 53 टर्म है, ये 54th टर्म हो गया। अब हमें चूंकि इसका एक्सपेंशन निकालना है, इसका क्या निकालना है एक्सपेंशन, जब इसका एक्सपेंशन निकालना है तो यहाँ से देखिए एक्स प्लस ए की पावर कितना है 105, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 105c, यहाँ 53 है और nth टर्म फाइंड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 52 एक्स की पावर 105 से 52 घटाओ, 105 से 52 घटाएंगे कितना बचेगा 53। ठीक है, 105 से 52 घटाएंगे कितना बचेगा 53 और ए की पावर कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, या दूसरे तरीके से वो हमारा 54 है तो ये वैल्यू हो जाएगी 105c कितना 53, एक्स की पावर कितना हो जाएगा 52, ए की पावर कितना हो जाएगा 53। ठीक है, तो दोनों वैल्यू आ गए क्योंकि यहाँ पे हमारा 54th टर्म है, यहाँ पे हमारा 53 टर्म है। तो इस तरीके से वैल्यू को हमने आपको फाइंड करने के लिए बताया है। नेक्स्ट इसी तरीके से आप क्वेश्चन को लगाइए, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है दुनिया जहाँ का किसी भी बुक का है, किसी भी बुक का है, तरीका हमारा यही अप्रोच करेगा एंड इसी तरीके से क्वेश्चन आपको लगाना है। ओके, जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 2x + a की पावर 2n के प्रसार में मिडिल टर्म फाइंड करना है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, वैल्यू थी हमारे पास में अगर एक्स प्लस ए की होल पावर 2n के प्रसार में, ठीक है, मध्य पद पूछ रहा था, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2n, यहाँ से देख लिख लीजिए क्योंकि आप कर रहे हो क्वेश्चन, एक्स प्लस ए की पावर 2n तो ये वैल्यू हो जाएगी 2nc कितना n, क्योंकि जो ये वैल्यू लिखी हुई है ये इवन वैल्यू है तो 2nc n, एक्स की पावर 2n से n घटेगा n और ए की पावर कितना हो जाएगा n, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है नेवी में, ठीक है, 2019 में पूछा गया था। ओके, और इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब इस टाइप क्वेश्चन आता भी रहता है, प्रसार में मध्य पद बताओ, प्रसार से अंत वाला पद बताओ, कैसे बताना है वो। अब हम आगे वैरायटी चेंज कर रहे हैं क्योंकि आज हमें इसको लास्ट करना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नियर अबाउट है, तो आपके लिए जो
यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिस क्लास जो कॉन्सेप्ट क्लास है हमारी है, पूरा कोर्स चूँकि ख़त्म करना है, जल्दी पूरा करना है, और मेरी कोशिश रहेगी 20 मई से बिफोर हमारा कोर्स जो है पूरा ख़त्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के बाद मई आएगा और 20 मई से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं, तो आपका जो यहाँ पे कोर्स है पूरा ख़त्म हो जाए, और ये हमारी यहाँ पे चल रही है बायनॉमियल थ्योरम। नेक्स्ट इसके बाद में मैं आपको मैट्रिक्स पढ़ाऊँगा, फिर डिटर्मिनेंट आएगी, फिर इसके बाद में प्रोबेबिलिटी आएगी। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स एक एक दो दो क्लासों में मैं उसको पूरी करने की कोशिश करूँगा, एंड थोड़ा जो बायनॉमियल थ्योरम है क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा कुछ ना बताते हुए, ज़्यादा फालतू की बातें नहीं, केवल कट टू कट एग्ज़ाम में जो आएगा केवल और केवल वही पढ़ाने की कोशिश करूँगा। एंड फिर इसके बाद में हो सकता है कि मैं आप लोगों को, क्योंकि अभी सेट थ्योरी हमारा नहीं पढ़ा है, तो वहाँ पे सेट थ्योरी सेट भी पढ़ाएंगे, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें भी ज़्यादा ज़्यादा फालतू बातें नहीं होंगी, केवल कट टू कट एग्ज़ाम वाली बातें होंगी। नेक्स्ट इसके बाद में आएंगी बातें त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में केवल और केवल आपको ITF पढ़ाएंगे, ITF के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, ओके, क्योंकि ITF से ही क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट अगले टाइम हमारा जनरल वैल्यू ऑफ थीटा से आया था, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन कभी कभार हमारा बनता है क्योंकि आ रहा था, और हर एक पेपर में हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था उससे, तो वो भी थोड़ा एक दिन का टॉपिक है, पड़ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद कैलकुलस आएगी, कैलकुलस 3 से 4 दिन का टॉपिक है, पूरा वन डे पूरा कंप्लीट करके रखेंगे, क्योंकि वन डे वन टॉपिक, तो इस तरीके से सारा सब कुछ हो जाएगा। एंड 2D 3D रहेगा, तो 2D 3D में जो पैराबोला है, सॉरी सबसे पहले 2D से बात करते हैं, जो लाइन है उसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद सर्कल आएगा, पैराबोला आएगा, एलिप्स आएगा, हाइपरबोला आएगा, एंड दुनिया भर की बातें हैं वो भी, फिर इसके बाद 3D, फिर इसके बाद स्टैटिक भी आपका एग्ज़ाम में आता है, तो स्टैटिक को बताने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कि इस बार मैं आपका एक लेक्चर जो है स्टैटिक पे ज़रूर बनाऊँ, ताकि आपका जो स्टैटिक का एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो आपसे छूटे ना, एंड आप क्लियर उसको कर पाऊँ, ओके। तो यहाँ पर मैं आपको अब वैराइटी चूँकि चेंज करने वाला हूँ, तो आगे देखिए, एंड आगे हम इसके बारे में बातें करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगर हमसे पूछे, ठीक है, अगर हमसे पूछे एक्स प्लस, ठीक है, एक्स प्लस ए की पावर एन के प्रसार में अंत से आरवां पद या पीवां पद, ठीक है, अंत से आरवां पद या पीवां पद कुछ भी पूछे, ठीक है, अंत से आरवां पद एक प्लस ए के प्रसार में अंत से पद याद करना, ठीक है, अंत से पद यहाँ पे लिख लो, आरवां पद याद करना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, देखिए एक प्लस ए की पावर एन के प्रसार में हमारा है, तो जैसे मान लो कि अगर तुमसे कह रहा है कि एक प्लस ए की पावर एन के प्रसार में हमें पद से कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो एक तो डायरेक्ट वैल्यू होती है कि यहाँ पे जब आरवां पद अंत से हमारा कह रहा है, तो यहाँ पे जो इसके अंदर जो एलिमेंट बैठे हुए हैं, ठीक है, इनको इंटरचेंज कर लो, इंटरचेंज करने के बाद में प्रारंभ से फाइंड कर लो, बिगनिंग फ्रॉम बिगनिंग हो जाएगा, अभी हमारा फ्रॉम लास्ट है, नेक्स्ट जैसे इंटरचेंज करोगे इनके एलिमेंट को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रॉम बिगनिंग हो जाएगा, कैसे हो जाएगा तो देखिए, नहीं तो आप सीधा डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी n माइनस r प्लस कितना, इस तरीके से, या इनके एलिमेंट चेंज कर लो, a प्लस एक्स की होल पावर n के प्रसार में प्रारंभ से आरवां पद हो जाएगा, जब प्रारंभ से आरवां पद हो जाएगा तो फार्मूला क्या लगेगा, NCR और ये R माइनस कितना हो जाएगा, एक कम करके, ठीक है, R माइनस वन, NCR माइनस वन, ठीक है, और A की पावर N माइनस R प्लस वन, X की पावर कितना, R माइनस वन, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी, ओके, इस तरीके से। तो इस पे अब देखेंगे, चूँकि हमारा ये प्रारंभ से हो गया है, तो यहाँ से देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में आता हुआ है क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखिए इसको किस तरीके से लगाना है,
तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन एक देख लेता हूँ मैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है आपके पास में, देखिए जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में एक्स प्लस टू अपान एक्स, ठीक है, कि होल पावर नौ के प्रसार में अंत से फोर्थ टर्म हमसे पूछता है। तो अभी मैंने फार्मूला बताया क्या, एन माइनस आर प्लस टू बताया था, एन माइनस आर प्लस टू, एन की जगह कितना है नौ, आर की जगह कितना है चार, एन की जगह यहाँ पे कितना हो गया दो, तो नौ दो ग्यारह में कितना हो गया सेवन्थ, कौन सा हो गया सेवन्थ टर्म। तो ये वैल्यू हो जाएगी नाइन सी सिक्स, कितनी नाइन सी सिक्स, और एक्स की पावर कितना थ्री, और टू अपान एक्स की पावर कितना हो जाएगा सिक्स। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू फाइंड करोगे, या कि जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है उससे आप फाइंड कर लो। शॉर्ट ट्रिक में क्या बताया है, अंत से फोर्थ टर्म पूछ रहा है, मैंने बोला कि इनके जो एलिमेंट है चेंज कर लो, कि होल पावर कितना हो जाएगा एन के प्रसार में, ठीक है, के प्रसार में ये प्रारंभ से हो जाएगा फोर्थ टर्म, ठीक है, प्रारंभ से फोर्थ टर्म हो जाएगा। ओके, जब ये प्रारंभ से फोर्थ टर्म हो जाएगा तो यहाँ से देखिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी नाइन से कितना थ्री, टू अपान एक्स की होल पावर कितना, यहाँ पे कितना हो जाएगा सिक्स, और ये एक्स की पावर कितना हो जाएगा थ्री, तो वही वैल्यू आगे जो हमारी पहले प्राप्त हो रही थी। ठीक है, तो ये वाला अगर आपको सही लग रहा है तो आप ये वाला ये वाला मेथड आप अपना सकते हो कि इनके एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, एंड जो हमारा अंत से कह रहा था वो हमारा कहाँ से हो जाएगा, बिगनिंग से हो जाएगा। ओके, जब वो हमारा बिगनिंग से हो जाएगा तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन को करने में सहूलियत प्राप्त होगी, सहायता मिलेगी। ओके, नेक्स्ट आगे वैरायटी पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगली वैरायटी, अगली वैरायटी है कि हमें पद फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पदों की संख्या, जैसे x प्लस वाई की पावर n के प्रसार में पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या हमें फाइंड करनी है। तो x प्लस वाई की पावर n, x प्लस वाई की होल पावर n के प्रसार में पद कितने हो जाएंगे, n प्लस वन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे n प्लस वन। अगर हमारे पास में x प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर n है, ठीक है, कि n के प्रसार में पदों की संख्या पहुँचे, तो ये वैल्यू हो जाएगी n प्लस वन इंटू n प्लस टू अपान कितना हो जाएगा टू फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा n प्लस वन अपान n प्लस वन इंटू n प्लस टू अपान कितना हो जाएगा टू फैक्टोरियल। और अगर इसी तरीके से वैल्यू अगर मैं बढ़ा दूँ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी की होल पावर n के प्रसार में, अब मैं पूछूं पदों की संख्या कितनी होगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी n प्लस वन n प्लस टू इंटू n प्लस थ्री अपान थ्री फैक्टोरियल। ओके, तो इस तरीके से हम पदों की संख्या फाइंड कर पाएंगे। ओके ओके, तो यहाँ से हम इनके पदों की संख्या, क्योंकि यहाँ पे इससे भी हमारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है मैनी टाइप से, क्योंकि ये बायनॉमियल थ्योरम है, आपके एयरफोर्स एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जब क्वेश्चन बनता है तो इसको करना भी बनता है, करना बनता है तो आप लोग इस तरीके से इसको लगाओगे, याद रखोगे, पूछा जा चुका है ये वाला एयरफोर्स में पूछा जा चुका है। ओके, तो ज़रूरी नहीं कि ये हमारा ना आए या ये हमारा ना आए, सारे सब कुछ आते हैं, वैरायटी है, आएगी, क्लियर करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगली वैरायटी पे पहुंचेंगे, तो अगली हमारी वैरायटी देखिए क्या है,
अब हमें इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करना है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम, फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम कहाँ से, एक्स से, ठीक है। अब देखिए हमें एक्स से हमें स्वतंत्र पद फाइंड करना है, किस तरीके से फाइंड करेंगे, ओके। यहाँ पे वैल्यू चूँकि हमें गिवन है, तो अब हमें इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू है, जैसे x प्लस ए के प्रसार में हमें इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करना हो या अचर पद फाइंड करना हो तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे। देखिए जैसे वैल्यू है हमारे पास में x प्लस ए की पावर n के प्रसार में, अचर पद फाइंड करना है या स्वतंत्र पद फाइंड करना है, फ्रॉम x से फाइंड करना है, तो इसको कैसे करेंगे। तो हमारा जनरल टर्म का जो फार्मूला होता है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू हो जाती है एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर, ए की पावर कितना हो जाता है r, ठीक है। ये अब यहाँ से ये हमें पता चल गया कि ये हमारा एक जनरल टर्म का फार्मूला है। नेक्स्ट टाइम क्या कराएंगे कि जो x के जो कोफिशियंट होंगे उनकी तुलना करवाएंगे और अचर पद के लिए उनको जीरो के बराबर सेटिस्फाई करवाएंगे, तो यहाँ से मिलेगा क्या, आर की वैल्यू मिल जाएगी, देन इसके बाद हम अपना काम कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या लिखना है, मैं एक्स के गुणांकों की तुलना कराते हैं, ठीक है, तुलना कराते हैं तथा अचर पद के लिए या स्वतंत्र पद के लिए जीरो के बराबर, ठीक है, रखेंगे, ओके। जीरो की तुलना कराएंगे और अचर पद के लिए इसको जीरो के बराबर हम लोग रखेंगे। अब जीरो के बराबर रखेंगे तो अब इसका हमें क्या करना है एंड कैसे करना है, देखिए तो ये हमारा यहाँ पे हमने आपको इंडिपेंडेंट टर्म या अचर पद मैंने आपको बोला है उसके फाइंड करने के लिए एक मेथड बताया हुआ है। अब देखिए इसको हमें फाइंड कैसे करना है, वो करना है। तो यहाँ से देखिए, देखिए कोई भी क्वेश्चन है, एक छोटा सा बिल्कुल क्वेश्चन, ठीक है, एक छोटा सा बिल्कुल क्वेश्चन एंड उसको हमें फाइंड करना है। जैसे वैल्यू है x प्लस वन अपान एक्स टू होल पावर 20 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद x से स्वतंत्र पद कह रहा है, ओके। तो यहाँ से देखिए तो ये वैल्यू हो जाएगी t आर प्लस वन, क्योंकि जनरल टर्म फार्मूला लगेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी टी 20 सी आर एक्स की पावर 20 माइनस आर और वन अपान एक्स की पावर कितना आर। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 20 सी आर एक्स की पावर 20 और ये हमारा आर ऊपर पहुँचेगा तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2 आर। अब चूँकि एक्स के कोफिशिएंट की तुलना करवाएंगे, तुलना करवाने के बाद में अचर पद के लिए यहाँ पे वैल्यू कितनी का रखेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट कितना है ए पावर, तो यहाँ पे हो जाएगी 20 माइनस का 2 आर इज इक्वल टू कितना, जीरो। तो आर इज इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा कितना, 10। आर इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 10। तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 20 सी 10। ये इतना हमें लेथन करना पड़ेगा, लेकिन यही अगर आर को हम बहुत जल्दी फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। आर की वैल्यू तो है, मैं फाइंड करने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ा, लेकिन क्या ऐसा कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसमें मैंने बताया था यक्स से जो पद कंटेन कर रहा था उस पर निर्भर कर रहा था, ठीक।
ठीक है। तो उसके लिए जब मैंने r के लिए बताया था तो r इज इक्वल टू फार्मूला बनाया था x एन पी माइनस एम अपान पी प्लस क्यू, ठीक है। तो उससे r की वैल्यू हम थोड़ा जल्दी फाइंड कर पाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ से r की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो n हमारा यहाँ पे कितना है 20 है, p यहाँ पे इसकी पावर हो जाएगी, पहले वाले x की पावर कितनी है 1 है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम x है तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नीचे हमारा कितना हो जाएगा, पहले वाले x की पावर 1, दूसरे वाले x की पावर 1, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे r बराबर कितना हो जाएगा 10। एक लाइन में r का मान मिल गया, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन में भी कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा यहाँ से इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर एक नमूना और देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो एक नमूना हमें और आपको दिखाना है। तो यहाँ से देखिए नमूना आपको देखना है, तो देख लीजिए यहाँ पे दूसरा नमूना देखिए किस तरीके से वैल्यू हमें करनी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं एंड आगे हो सकता है पूछे भी जाएं, ठीक है। तो दूसरा नमूना देखिए, जैसे वैल्यू है 4x माइनस 1 अपान 3x टू होल पावर 16 के प्रसार में, 16 के प्रसार में, ठीक है, x से स्वतंत्र पद, ठीक है, x से स्वतंत्र पद। अब इसको हमें कैसे फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ पे चूंकि हमें इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम x फाइंड करना है तो इसके लिए सबसे पहले r फाइंड कर लो। तो r के लिए 16 हो जाएगा, पहले वाले x की पावर 1 है, नेक्स्ट x के लिए कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, पहले वाले x की पावर 1 है, दूसरे वाले x की पावर 1 है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 बराबर 8 की वैल्यू कितनी, सॉरी r की वैल्यू कितनी मिली है 8, तो ये वैल्यू हो जाएगी 16 c कितना 8। नेक्स्ट आगे हो जाएगा 4x की पावर कितना 16 से 8 घटेगा कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ पे पावर हमारी कैसी है, r की वैल्यू इवन है तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/3x^2 कितना है, यही तो हमारा आंसर मिलेगा। अरे भाई यही तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर भी x की पावर 8 है, नीचे भी x की पावर 8 है, पावर से में हट जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी कितनी 16 सी 8 4 की पावर 8 अपान 3 की पावर 8। ओके, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करने के लिए बताया हुआ है। नेक्स्ट हम लास्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे, तो लास्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या है उसको देखेंगे। ओके, नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, जैसे हमारे पास आ गया है x प्लस a की पावर n के प्रसार में, पीवा पद हुआ, के गुणांक बराबर है, तो ठीक है, या पीवा या क्यूवा पद ज्ञात करना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, एन सी एक्स प्लस ए की पावर n में है या 1+x कुछ भी कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी एन सी पी माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस पी प्लस का कितना 1 हो जाएगा, और a की पावर कितना हो जाएगा p माइनस 1 बराबर। नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी एन सी क्यू माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस क्यू प्लस 1 और a की पावर q माइनस 1, या इसको मैं डायरेक्ट थोड़ा और सरल करने की कोशिश करूँ क्योंकि ये हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो इसको अगर मैं इस तरीके से लिखने की कोशिश करूँ, कैसे, 1+x की पावर n के पीवा और क्यूवा पद के गुणांक बराबर हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, एन सी पी माइनस 1 इज इक्वल टू एन सी क्यू माइनस 1।
ओके। अब इस तरीके से हमें जब कोफिशिएंट हमारे बराबर मिलेंगे तो इस तरीके से वैल्यू हम फाइंड करके रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा एयरफोर्स नेवी एनडीए आईसीजी दुनिया भर का कोई भी एग्जाम है, एयरफोर्स नेवी आईसीजी एनडीए हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एयरफोर्स में अब की बार ही आया था, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टाइम हर बार मतलब इस टाइप से इससे क्वेश्चन ज़रूर हमारा बनता है। एयरफोर्स नेवी एनडीए एग्ज़ाम हो गया, हर एक में कोई ना कोई एक एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाए, तो इसको भैया ज़रूर करके रखना है। कैसे हमें क्वेश्चन करना है देखिए, जैसे हमारे पास में आ गया 1+x^20 के प्रसार में क्या वैल्यू आ गई, क्वेश्चन है देखिए, नमूना हमारे पास में है। नमूना नमूना क्या है कि वैल्यू है 1+x^20 के प्रसार में, ठीक है, 20 के प्रसार में आरवें व आर प्लस फोर्थवें टर्म क्या रहा है, आरवें पद व आर प्लस फोर्थ टर्म, ठीक है, आर प्लस फोर्थ टर्म या पद के गुणांक बराबर हैं तो हमसे कह रहा है आर इक्वल टू फाइव, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है कोफिशिएंट इक्वल है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 20c r-1 मतलब r से कम इज इक्वल टू, नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 20c r + 3। अब चूंकि ये हमारे बराबर हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी r-1 + r + 3 इज इक्वल टू कितना 20, तो ये कितना हो जाएगा 2r + 2 इज इक्वल टू कितना 20, या 2r इज इक्वल टू कितना 18, या r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि 2 + 2 = 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो r की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 9 वैल्यू आ गई है। तो यहाँ से हमने आप लोगों को बताया कि जब भी कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए बोले तो हमें क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, ओके, हमें क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। नेक्स्ट आगे हम फिर आगे इसमें बात करेंगे, और आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, ठीक है, और नेक्स्ट डे हम अपना डाउट सेशन रखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। कम से कम मेरी कोशिश रहेगी कम से कम इसमें 50 क्वेश्चन अराउंड डालूं, ताकि आपके जितने भी सारे डाउट हैं वो सारे डाउट क्लियर हो जाएं, एंड बहुत ही अच्छा एक क्रिएटिव माहौल बन सके आपके एग्ज़ाम के लिए, मैं कोशिश करूँगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।